कई बार डिलीवरी के समय महिलाओं को, जिनकी स्पेशली पहली प्रेगनेंसी है, पहली डिलीवरी है, दूसरी में भी ऐसा पॉसिबल है, निचले अंगों में कट लगाना पड़ता है, चीरा लगाना पड़ता है। इसके कई ग्रेड्स होती हैं, कई बार हल्का लगता है, कई बार थोड़ा सा गहरा, कई बार आपका वो कट काफ़ी गहरा होता है, जिससे कि रूटीन वर्क में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो ज़रूरी भी होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस कट से, इस चीरे से, स्टीयरिंग से आप बचें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। टीयरिंग, जब बेबी डिलीवर होता है, लेबर की एडवांस स्टेज में आप होते हैं और बेबी का जो सिर होता है वो बाहर निकल रहा होता है, उस समय टीयरिंग होती है। काफ़ी खिंचाव होता है आपकी वजाइना में, बर्थ कनाल में, उसकी ओपनिंग के आसपास, और कई बार अगर अच्छे से स्ट्रेच नहीं होता तो डॉक्टर को डिलीवरी कराने के लिए कट लगाना पड़ता है। इससे आप बच सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि जब लेबर के एडवांस स्टेज में बेबी का हेड ही सबसे पहले बाहर आता है, उस समय आप जोर ना लगाएं, क्योंकि अब आपने प्रेशर किया, पुश कर दिया, बेबी अब धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। उस समय आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। वो पर्टिकुलर टाइम जब बेबी का हेड एकदम से बाहर आता है, उस समय आपको खुद ज़्यादा पुश नहीं करना, उससे टीयरिंग ज़्यादा होगी। डिलीवरी का जब समय करीब आता है तो लेबर कुछ घंटों की प्रक्रिया होती है, 8 घंटे 14 घंटे। किसी को पहले दिन पेन आता है कुछ, फिर दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन जाके एडवांस स्टेज में आती है और डिलीवरी होती है। ऐसा होता है, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। तो ऐसे में जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाते हैं या फिर आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो आप बेड पर लेटे ना रहें। ये बड़ी ही स्पष्ट बात है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है कि बेड पे जब आप अपने पीठ के बल लेटे रहेंगे तो आपको पहले तो पेन ज़्यादा होगा, पेन आपको ज़्यादा महसूस होगा। दूसरा, आपका लेबर का प्रोसेस और लंबा होगा, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ के तलवों को ज़मीन पे लगाना और घुटनों को अपराइट। ये पोजीशन आपको बहुत मदद करने वाली है। हॉस्पिटल में भी आप हाथ और घुटनों के सपोर्ट से, चाहे बेड पर, चाहे टेबल पर, जहाँ पर भी आप हों, इस तरीके से रहें। जितना आप वॉक कर सकती हैं वॉक करें, उसके बाद आप इस पोजीशन में रहें, तो इससे डिलीवरी बहुत सरलता से होती है और टीयरिंग का डेंजर उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तीसरा आइडिया, आजकल बहुत ज़्यादा चलन चला है वाटर बर्थिंग का। वाटर बर्थिंग का सबसे अच्छा एडवांटेज जो है वो है कि नीचे आपको कट नहीं लगता। पानी गुनगुना यूज़ किया जाता है, आपका जो आर्टिफिशियल पूल बनाया जाता है डिलीवरी के लिए, और इसमें टीयरिंग का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है। और चौथा आइडिया है पेरिनियल मसाज। पेरिनियल मसाज में 34 से 35 हफ्ते के बाद से आप मसाज कर सकती हैं ओपनिंग की। किस तरीके से करना है, अपनी दो फिंगर्स को यूज़ करना है। ध्यान रखें, जब भी हम फिंगर इंसर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में तो नेल्स कटे होने चाहिए, हैंड वॉश करना है, लुब्रिकेशन लेना है, चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, और नीचे ऊपर और दोनों साइड्स में दो फिंगर से पेरिनियल मसाज देनी है। स्टडीज़ कहती हैं कि पेरिनियल मसाज देने से टीयरिंग का खतरा कम होता है, मसल्स मजबूत होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है जो कि स्टिफ हो गई होती हैं, और बहुत आसानी से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो आशा करती हूँ कि इन सारी चीज़ों को आपने समझा। अपनी आवश्यकता अनुसार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, ताकि आपको नीचे कट ना लगे। और वैसे कट बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जिनको डीप कट लगते हैं, तो रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये चीज़ आपके अवेयरनेस के लिए थी। आशा करती हूँ आप सभी अपना पूरा ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।